बहुत समय पहले की बात है, किशोर नगर नामक गांव में दो अनाथ बहनें सपना और काजल अपने एक छोटे से घर में रहा करती थीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक ट्रेन हादसे में सपना और काजल के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और किसी भी रिश्तेदार ने दोनों बहनों को अपने पास नहीं रखा, इसलिए बेचारी अकेली ही रहा करती थी। जब तक सपना और काजल के माता पिता जिंदा थे तब तक तो दोनों बहनें स्कूल भी जाया करती थी और हंसी खुशी रहा भी करती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दोनों बहनों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। जो भी घर में जमा पूंजी थी वह भी एक दिन खत्म हो जाती है, अब घर में ज्यादा राशन भी नहीं बचा था। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी बहन से कहती है, दीदी मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, पूरा एक महीना हो गया मैं स्कूल नहीं गई, इस तरह से तो मेरा नाम कट जाएगा। मेरे साथ की लड़के मुझे चिढ़ाती हैं, कहती हैं तू अनपढ़ गंवार रह जाएगी, और अनपढ़ गंवार की कोई जिंदगी नहीं होती, वह मुझे रोज ताना देती हैं। दीदी घर के हालातों को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। माँ पिताजी के सामने मैंने तो 12th कर ली, लेकिन तुम अभी 5वीं कक्षा में हो, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं क्या काम करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तो राशन भी खत्म होने वाला है, उसके बाद तो हमारे भूखे रहने के दिन आ जाएंगे। दीदी अगर आप पुराना माने तो मेरे पास एक आइडिया है। दीदी आपको पता है एक बार जब आपने मेरे जन्मदिन पर केक बनाया था तो सभी को कितना ज्यादा स्वादिष्ट लगा था और सबने आपकी कितनी ज्यादा तारीफ की थी। इतनी छोटी सी बच्ची ने कितना ज्यादा स्वादिष्ट केक बनाया है, तो बस आप अपनी बेकरी खोल लीजिए। हाँ काजल यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं दीदी, मुझे पता है आप पैसों की बात करोगी, हमारा छोटा सा घर है ना, तो बस आप इसे जमींदार को गिरवी रख दो, इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि आप बेकरी खोल सको, और बेकरी खोल के जो कमाई होगी उन पैसों से मैं आसानी से स्कूल भी जा पाऊंगी और हम दोनों बहनों का पालन पोषण भी होता रहेगा। सपना को अपनी बहन की बात समझ आ जाती है और वह अपने छोटे से घर के कागजात जमींदार के पास ले जाती है। तभी जमींदार सपना से कहता है, देखो सपना मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, और हाँ अपना घर एक साल के अंदर अंदर छुड़ा लेना, वरना उस पर मेरा कब्जा हो जाएगा, ठीक है? सपना पहले तो बहुत सोचती है कि अगर वह एक साल के अंदर अंदर अपने घर को नहीं छुड़ा पाई तो वह बेघर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त उसे घर से ज्यादा खाने की जरूरत थी, इसलिए वह जमींदार की शर्त मान लेती है और अपना घर गिरवी रखकर उसे जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपनी एक छोटी सी बेकरी खोलती है और अपने हाथ से स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक बनाकर रखती है और अपने घर में थोड़ा राशन भी भर लेती है और काजल की स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। अब काजल स्कूल जाने लगती है और सपना अपनी बेकरी पर बैठकर केक बेचने लगती है, लेकिन सपना की बेकरी बहुत ज्यादा छोटी थी इसलिए उसकी शॉप पर कोई भी नहीं आ रहा था। सपना के ही सामने एक बहुत बड़ी बेकरी थी जिसके पास अलग अलग वैरायटी के केक भी थे। तभी उसकी मालकिन सुमन आती है और वह सपना के ऊपर हंसते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, तेरे अंदर थोड़ी भी अक्ल है या नहीं, तुझे यही जगह मिली थी पूरे गांव में अपनी बेकरी खोलने की, तूने कैसे सोच लिया कि मेरी इतनी बड़ी बेकरी के सामने तेरी ये छोटी सी मामूली सी बेकार सी बेकरी चल जाएगी। तूने अपने पैसे भी वेस्ट किए हैं और अब यहाँ बैठकर अपना टाइम भी वेस्ट ही कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तेरे पास कोई नहीं आने वाला, ग्राहक तो बस मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो मेरी बेकरी छोड़कर तेरी इस छोटी सी मामूली सी बेकरी पर आएगा। देखिए मैं जानती हूँ कि मेरी बेकरी छोटी है, लेकिन छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, क्या पता लोगों को मेरे केक पसंद आ जाएं और वह मेरे केक लेकर जाने लगे, और आप अपने काम से काम रखिए, मेरे पैसे वेस्ट हों या फिर मेरा टाइम वेस्ट है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जाइए आपके ग्राहक आ रहे हैं। सुमन हंसते वहाँ से चली जाती है। सपना सुमन को जवाब तो दे देती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और सपना की बेकरी सुमन के सामने नहीं चल पाती और वह परेशान होकर काजल से कहती है, काजल लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी,
मेरी बेकरी पे तो कोई केक खरीदने आता ही नहीं है, और जब सुमन की इतनी बड़ी बेकरी हो तो मेरी बेकरी पर कोई क्यों आएगा। रोज केक बना बना कर जो भी सामान था वे भी खत्म हो रहा है। दीदी कोई बात नहीं, आप हार मत मानिए। आपको पता है टीचर बता रही थी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखना हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, आप चिंता ना करो। और हाँ दीदी, आप जानती हैं कल मेरी दोस्त रिंकी का जन्मदिन है। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, लेकिन आप अपने हाथ का एक स्वादिष्ट केक बनाकर दे देना, मैं अपनी तरफ से उसे केक ही गिफ्ट कर दूंगी। इस तरह दोनों बहनें केक खाकर सो जाती हैं। सुबह होने के बाद सपना अपने हाथ से बहुत स्वादिष्ट केक बनाती है और काजल अपनी दोस्त के लिए वह केक ले जाती है और अपने दोस्त को जन्मदिन विश करते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिंकी। रिंकी मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए यह केक लेकर आई हूँ, इसलिए यह केक इस जन्मदिन पर तुम मेरी तरफ से काटो। काजल तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, अगर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आती तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि दोस्ती चीजों से बढ़कर नहीं होती। इस तरह से रिंकी अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाती है और अपने जन्मदिन का केक काटती है और अपने सभी दोस्तों को केक खिलाती है। केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था और सब काजल की तारीफ करते करते नहीं थकती। अरे यार काजल, यह कितना ज्यादा स्वादिष्ट है, सच में ऐसा केक मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। किस शॉप से लेकर आई है, तो जरा मुझे भी तो एड्रेस बता, मैं आज ही यह केक खरीदूंगी और अपने मम्मी पापा को भी खिलाऊंगी। हाँ हाँ काजल, सच में यह केक बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, प्लीज हमें इस शॉप का एड्रेस बताओ, हम सभी इसी से अपने केक खरीदा करेंगे। काजल सभी को अपनी बहन की शॉप का एड्रेस दे देती है और अब सपना की शॉप पर एक दिन तो 2 ग्राहक आते हैं, दूसरे दिन 4 ग्राहक आते हैं और इसी तरह जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे सपना के पास ग्राहक सुमन की बेकरी से ज्यादा आने लगते हैं। और अब दोनों बहनें रात दिन मेहनत कर ज्यादा से ज्यादा केक बनाती, क्योंकि उनकी बेकरी बहुत ज्यादा चल रही थी। यह देखकर सुमन जल भुनकर राख हो जाती है और एक दिन वह सोचती है, इस सपना के बच्चे की वजह से मेरे सारे ग्राहक इसी के पास जा रहे हैं, पता नहीं अपने केक के अंदर कौन सा नशा डालती है कि सबके सब इस मनहूस के केक के दीवाने हो रहे हैं। जब तक इसकी बिक्री नहीं थी तो मेरी बिक्री पर लाइन लगी रहती थी और अब तो बस 2-3 ग्राहक आते हैं। नहीं नहीं, मैं इस मामूली सी लड़की को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना एक दिन तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी और मैं एक मामूली गरीब और अनाथ लड़की से हार मान जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर सुमन एक प्लान बनाती है और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश थीं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन बेचारियों को कहां पता था कि गरीब की जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, उनकी खुशियों के ऊपर ग्रहण लगाने कोई ना कोई आ ही जाता है। इसी बीच सपना को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह काजल से कहती है, काजल मेरी प्यारी बहन, तुम्हें पता है मुझे एक बहुत बड़ा केक का ऑर्डर मिला है, पूरे 50 केक का, कल शाम तक देना है। काजल एक बार को तो मैं हार ही मान गई थी, मुझे लगा था कि मेरी बेकरी कभी नहीं चलेगी, लेकिन तुमने सही कहा था, मेहनत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। अगर ये ऑर्डर सही सलामत चला गया तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम अपने घर के कागजात भी छुड़ा लेंगे, लेकिन काजल तुम्हें मेरी मदद करवानी होगी। दोनों बहन बहुत ज्यादा खुश थीं और वह केक बनाने लगती हैं। दोनों बहनें बहुत मेहनत से पूरी रात जाकर पूरे दिन में वह 50 केक बनाकर तैयार कर देती हैं। और जैसे ही दोनों बहन किसी काम से बेकरी से बाहर निकलती हैं तो सुमन एक पाउडर लेकर जाती है और सभी केक के अंदर मिला देती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। मुझसे पंगा लेने चली थी, मुझे हराने चली थी, मेरे होते हुए तेरी बेकरी चल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जब सबके पेट में दर्द होगा यह केक खाकर, तो तुझे पता चलेगा मुझसे पंगा लेने की क्या सजा होती है। ऐसा सोचकर सुमन बहुत खुश हो रही थी और दोनों बहनें समय रहते 50 केक का ऑर्डर पहुंचा देती हैं। और कुछ समय बाद वह देखती हैं कि बहुत सारे लोग
सपना हाय हाय, सपना हाय हाय के नारे लगाते हुए आ रहे थे और उसकी बेकरी पर आकर पहले तो पत्थर मारते हैं और उसके बाद उसकी पूरी बेकरी जला देते हैं और फिर उसके घर जाकर उसके घर को भी जला देते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरे केक खाकर हमारे लोग बीमार हैं। दोनों बहनें किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं और एक जंगल में जाकर बहुत रोती हैं। काजल, ये क्या हो गया? हमारे केक के अंदर किसी ने कुछ मिला दिया जिसे खाकर सभी लोग बीमार हो गए और उनका गुस्सा हम पर निकल रहा है। पहले उन्होंने हमारी बेकरी जला दी, फिर हमारा घर जला दिया। हमारे पास ना घर रहा और ना ही कारोबार और ना ही अब हम गांव के अंदर जा सकते हैं। हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर हमारे साथ ये किसने किया? हमने तो केक बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से बनाए थे और तुमने तो खाकर भी देखा था, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। हम कितने ज्यादा खुश थे, पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। इस तरह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उन्हें किसी और की भी रोने की आवाज आती है। सपना और काजल उस आवाज के पीछे जाकर देखती हैं तो एक परी पेड़ से उल्टी बंधी थी, तभी सपना उसे पेड़ से उतार देती है। तभी परी कहती है, तुम दोनों बहन बहुत अच्छी हो, समय रहते तुमने मेरी जान बचा ली। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, कुछ समय बाद वह लौटकर आ जाएगी और दोबारा से मुझे मारने की कोशिश करेगी। मैं उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही क्योंकि मेरी जादू छड़ी मेरे पास नहीं है। बादलों में जादू बछड़े के घर के अंदर है। बादलों में जादुई बछड़े केक के घर के अंदर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? जरा ठीक तरह से समझाइए। मैं खुशबू परी हूँ और मेरे जन्मदिन पर परी माँ ने मुझे एक जादुई बछड़े केक का घर दिया। मैं अपना जन्मदिन पृथ्वी के मासूम अनाथ बच्चों के साथ मनाना चाहती थी, इसलिए मैं उस बछड़े केक के घर के साथ पृथ्वी पर आ रही थी। लेकिन तभी उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरी जादुई छड़ी उस बछड़े केक के घर के अंदर रह गई और वह केक भी बादलों में रह गया और मैं यहाँ पेड़ पर आकर अटक गई। क्या तुम मेरा जादुई बछड़े केक का घर लेकर आ सकती हो जिसके अंदर मेरी जादुई छड़ी है? मगर खुशबू परी, हमारे पास तुम्हारी तरह पंख नहीं है जो हम उड़कर बादलों में चले जाएं। अगर हम उड़ पाते तो तुम्हारी मदद जरूर करते, तुम्हें इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ते। सपना के इतना कहते ही खुशबू परी एक चुटकी बजाती है तो वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं जिसकी मदद से सपना और काजल बादलों में पहुँच जाती हैं। लेकिन वहाँ जाकर देखती हैं तो एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तीन जादुई बछड़े केक के घर थे, जिसे देखकर दोनों बहन चौंक जाती हैं। तभी पहले जादुई बछड़े केक के घर से आवाज आती है, आओ आओ, तुम्हारा बादलों की जादुई दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे जादुई बछड़े केक के घर के अंदर बहुत सारा सोना है जिसकी मदद से तुम्हें कभी धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। आओ आओ, तुम मेरे जादुई बछड़े केक के घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें बहुत सारे हीरे मिलेंगे जिसकी मदद से तुम्हें धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। सपना और काजल, मैं खुशबू परी का जादुई बछड़े केक का घर हूँ जिसके अंदर उनकी जादुई छड़ी है। मुझे ले जाकर तुम खुशबू परी को दे दो, मेरी उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर तुम पहला और दूसरा जादुई बछड़े केक का घर चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या चुनती हो। दोनों बहन बहुत अच्छी थी, वह लालच नहीं करती थी। वह तीसरा जादुई बछड़े केक का घर चुनती हैं और देखते ही देखते पहला और दूसरा जादुई केक का घर अदृश्य हो जाता है। दोनों बहनें वह जादुई बछड़े केक का घर खुशबू परी के पास लेकर आ जाती हैं। तभी खुशबू परी कहती हैं, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, तुमने लालच नहीं किया, वरना उस चुड़ैल ने अपने मायावी दो केक के घर रख दिए। अगर तुम दोनों धन दौलत का लालच करके पहला या दूसरा जादुई बछड़े केक का घर चुन लेती तो मेरा केक और मेरी छड़ी मुझे कभी नहीं मिलती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए यह जादुई बछड़े केक का घर आज से तुम्हारा है। मैं परीलोक अपनी जादुई छड़ी की मदद से भी चली जाऊंगी।
मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम्हारे केक के अंदर गड़बड़ी सुमन ने की थी, वह तुम्हारी तरक्की से जल रही थी। तुम इस जादुई बर्थडे केक के घर की मदद से गांव वालों को सच्चाई दिखा सकती हो और इस घर में रहने के साथ साथ इसके केक ले लेकर अपनी एक बेकरी भी चला सकती हो। खुशबू परी की यह बातें सुनकर दोनों बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और परी को धन्यवाद कहती हैं। खुशबू परी जादुई बर्थडे केक का घर देकर परी लोग वापस चले जाती हैं और दोनों बहनें गांव के अंदर जाती हैं और सभी गांव वासियों से कहती हैं, तुम सभी को ऐसा लगता है कि केक के अंदर हमने कुछ मिलाया था। आपको पहले सच्चाई का पता करना चाहिए था, उससे पहले हमारे ऊपर जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज हम तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आप सभी लोग इस जादुई बर्थडे केक के घर के अंदर आ जाइए, उसके बाद आपको सच्चाई नजर आ जाएगी कि उस केक के अंदर किसने क्या मिलाया था। सपना के ऐसे कहने पर गांव के सभी लोग जादुई बर्थडे केक के घर के अंदर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो सुमन उन सभी केक के अंदर कुछ मिला रही थी और उसी समय उन्हें पता चल जाता है कि सुमन की वजह से सब लोग बीमार हुए थे। तभी वह पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस सुमन को गिरफ्तार करके ले जाती है। इस तरह सुमन को उसके केक की सजा मिल जाती है और सभी गाँव वाले सपना से और काजल से माफ़ी मांगते हैं और अब सपना दोबारा से अपनी एक बेकरी चलाती है और दोनों बहनें उस जादुई बर्थडे केक के घर के अंदर रहती हैं और एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गांव में विनीता की दो बेटियां थीं, सुमन और श्वेता। सुमन विनीता की अपनी सगी बेटी थी और श्वेता उसकी सगी बेटी नहीं थी। जब श्वेता एक वर्ष की थी तो वह उसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिली थी। विनीता अच्छे स्वभाव की औरत थी, इसलिए वह श्वेता को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है और उसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही करती है। और देखते ही देखते श्वेता और सुमन बड़े हो जाती हैं। श्वेता बहुत ही ज्यादा होशियार थी, समझदार थी, बड़ों का आदर करती थी, इसलिए विनीता श्वेता से ज्यादा प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सुमन, वह बस दोस्तों के साथ घूमती, पार्टी करती, शॉपिंग करती और अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती थी, जिस वजह से उसे अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती थी। और यही वजह थी कि सुमन हमेशा श्वेता से जलती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमन रात को देर से घर लौटती है और उसने ड्रिंक भी कर रखी होती है। जब इस बात की खबर विनीता को लगती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, सुमन रोज रोज यह तुम रात को कितना लेट आ रही हो और तुम्हारे मुँह से कैसी बू आ रही है। तुम ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर रखी। सुमन तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तुम बदतमीज हो रही हो। अपनी बड़ी बहन को देखो, वह कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, मेरे साथ मेरे कामों में कितना हाथ बटाती है और इसकी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा रहता है और हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे नीचा देखना पड़ता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी क्यों नहीं बन जाती, यह गंदी हरकतें छोड़ दो। मुझे इस बहन जी के जैसे बनने का कोई शौक नहीं है, बस घर की चार दीवारी में रहूं, नौकरानी बनकर तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं, मेरी सारी उम्र तो यूं ही चली जाएगी। यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की, एंजॉय करने की, और उसमें भी आप चाहती हैं कि मैं इस बहन जी जैसी बन जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस जैसा क्यों बनूं, यह मेरी सौतेली बहन है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। आप इसे पेड़ के नीचे से उठाकर लेकर आई थी, मैं सब जानती हूं और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे में जाने दीजिए। सच में सुमन तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई हो, तुम्हारी रस्सी खींचनी पड़ेगी वरना तुम तो बेलगाम का घोड़ा बन जाओगी। आज से तुम्हारा दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद, ना तुम किसी दोस्त से मिलोगी, ना ही पार्टी करोगी और तुम्हें पॉकेट मनी का ना एक रुपया दिया जाएगा, तभी तुम्हें अक्ल ठिकाने आएगी। और बात मैं तुमसे सुबह करती हूँ, जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। सुमन अपने रूम में चली जाती है। सुमन की रोज रोज की यह बदतमीजी देखकर विनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी श्वेता विनीता को समझाती है, माँ आप परेशान मत होइए, सुमन छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ कि आप सुमन की तरफ से कितनी ज्यादा दुखी हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी श्वेता, तुम कितनी अच्छी हो, अगर तुम ना होती तो शायद पता नहीं आज मेरा क्या होता, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और एक सुमन है जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं, तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरे दिल का सुकून हो।
विनीता अपनी सौतेली बेटी से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन विनीता और श्वेता शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी, तभी विनीता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। श्वेता अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ माँ अपनी आंखें खोलिए, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं होगा। यह जो आपको इतना सारा खून निकल रहा है ना, इससे भी आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ माँ। इस तरह से श्वेता बहुत ज्यादा रोती है और आसपास के लोग श्वेता को दिलासा देते हैं। कुछ समय बाद सुमन और श्वेता विनीता का दाह संस्कार कर देती हैं। विनीता के मृत्यु के बाद सुमन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब वह अपने दोस्तों को घर के अंदर लाना शुरू कर देती है और घर के अंदर शराब पीती है, पार्टी करती है और श्वेता को नौकरानी बनाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता सुमन से कहती है, सुमन माँ तुम्हें कितना ज्यादा समझाती थी, तुम्हें समझाते समझाते इस दुनिया से चली गई। प्लीज उनके जाने के बाद तो तुम उनकी आत्मा को सुकून पहुँचाओ, वह तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो कितना ज्यादा परेशान होती होंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और तुम कितने पैसे खर्च करती हो, तुमने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, बस हमारे पास एक यही घर बचा है। सुमन प्लीज ऐसा तो मत करो। तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, जो मुझे हमेशा सुनाती रहती थी वह मुझे छोड़कर जा चुकी है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दे, तू मेरी सौतेली बहन है, मैं तेरी बात क्यों सुनूं, अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी, अगर तू इस घर में रहेगी तो हमेशा मेरे कान पर चीक 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 करती रहेगी और तू मेरा जीना मुश्किल कर देगी और मैं अपनी जिंदगी में किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहती, इसलिए चल मेरे घर से निकल और अपना ठिकाना और कहीं कर, क्योंकि तू इस घर की बेटी नहीं है, यह सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी। सुमन मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही थी, तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो, अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी, मेरे पास तो सर छिपाने के लिए छत भी नहीं है, कृपया करके मुझे घर से बाहर मत निकालो। तू मेरे घर से बाहर निकलती है या नहीं, या फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं, सीधी सराफा से मेरे घर को छोड़कर चली जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तूने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। बचपन से लेकर आज तक तेरी तारीफ सुन सुनकर थक चुकी हूं और माँ की चिक चिक भी, माँ से तो छुटकारा मिल गया, अब मुझे तुझसे भी छुटकारा चाहिए, चल निकल मेरे घर से। श्वेता अच्छी तरह से जानती थी अगर वह सुमन की बात नहीं मानेगी तो वह सच में उसे पुलिस के हवाले कर देगी झूठे इल्जाम में, इसलिए वह घर छोड़कर जाने का ही फैसला करती है। बेचारी श्वेता, उसके पास रहने के लिए ना कोई घर था और ना ही उसके पास खाने के लिए एक भी रुपया, वह सड़कों पर इधर उधर भटकती रहती है और अपनी माँ विनीता को याद कर बहुत रोती है। माँ देखी, आप मुझे बचपन में पेड़ के नीचे से उठा कर लेकर आई थी, आपने मुझे आशियाना दिया, अपना आंचल दिया, आपने मुझे कितनी सारी खुशियाँ दी और आपके जाने के बाद मैं दोबारा से अनाथ हो गई, सुमन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, 2 दिन हो गए इसी तरह से भटकते भटकते, मैं कहाँ जाऊँ, मैं भूखी भी हूँ, बहुत तेज भूख लगी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यह क्या हो गया। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई, आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, आपको तो अभी सुमन को भी सुधारना था, देखिए उसकी बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है, बस गलत ही गलत कर रही है। इस तरह से श्वेता अपनी सौतेली माँ विनीता को याद कर बहुत रोती है। तभी श्वेता की नजर एक जंगल की तरफ जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, जिसे देख कर श्वेता चौंक जाती है। अरे यह रोशनी कहाँ से आ रही है, ऐसी चमकती रोशनी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, मुझे उस जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पर क्या है, हाँ मुझे वहाँ पर देखना ही चाहिए। ऐसा सोचकर श्वेता जैसे ही उस जंगल के अंदर जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, तो श्वेता को 2 नदी नजर आती हैं, जहाँ एक नदी के पास सोने का घर था और दूसरी नदी के पास चांदी का घर था। तभी सोने के घर की नदी से आवाज आती है, श्वेता मैं जादू सोने के घर की नदी हूँ, मेरे जादू सोने के घर के अंदर आओ, इस घर के अंदर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, जैसे सोना हीरे मोती पैसे बहुत कुछ, और तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, तुम इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की होगी।
आओ मेरे घर के अंदर आओ, लेकिन मेरे घर के अंदर आने के लिए बस तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। मेरे नदी का पानी सूखता जा रहा है, इसलिए मेरे जादुई सोने के घर को दो सुंदर लड़कियों की बलि की जरूरत है। बस दो सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाओ और सारी जिंदगी ऐश करो ऐश। श्वेता, मैं जादुई चांदी के घर की नदी हूँ, तुम मेरे घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, न पैसा, न सोना, न चांदी, न रुपया, कुछ भी नहीं। बल्कि मेरे घर के अंदर एक छोटा सा गांव बसता है, जिसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। उनकी तुम्हें सेवा करनी होगी, और जैसे ही वे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो जो मेरी नदी का पानी सूख रहा है वह दोबारा से भर जाएगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी ऐश करने के लिए दो सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाकर धन दौलत प्राप्त करना चाहती हो, या फिर 100 बच्चों को नया जीवन देकर पुण्य कमाना चाहती हो। मेरे पास रहने के लिए न घर है और न खाना खाने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं है। मुझे धन दौलत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ समझाती थी कि लालच बहुत बुरी बला होती है, कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं जादुई चांदी के घर के अंदर जाना चाहती हूँ और 100 बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ। पुण्य कमाना दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है, और मैं वही प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर श्वेता नदी के सहारे जादुई चांदी के घर के अंदर चली जाती है, और वहाँ जाकर श्वेता देखती है तो वह घर धन दौलत से भरा हुआ था। यह देखकर श्वेता चौंक जाती है और सोचती है कि 100 बच्चे कहाँ पर हैं। तभी उसे जादुई चांदी के घर से आवाज आती है। श्वेता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज के टाइम में इतनी सारी धन दौलत छोड़कर कौन किसकी मदद करना चाहता है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इस सब के बावजूद भी तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया। तुमने लोगों की मदद करने के बारे में सोचा, इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। यह घर भी तुम्हारा है और इसकी धन दौलत भी तुम्हारी है। इस घर को तुम जहाँ चाहो वहाँ रख सकती हो, और इसकी मदद से तुम औरों की भी मदद कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो अब तुम्हारी जिंदगी में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। जाओ प्यारी बच्ची, खुश रहो। जादुई चांदी के घर की बातें सुनकर श्वेता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वह खुशी खुशी जादुई चांदी का घर लेकर एक गांव में आ जाती है और वहां रहने लगती है। और जादुई चांदी के घर की धन दौलत से गांव के गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है, जिस वजह से श्वेता का आस पड़ोस में बहुत नाम होने लगता है, उसकी जय जयकार होने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमन आज बहुत गरीब हो चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने जुए में, शराब में, पार्टी में आवारा दोस्तों के साथ सब उड़ा दिया था, और वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन जब एक दिन वह श्वेता को लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, अनाज बांटती हुई देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वह सोचती है, अरे यह मेरी सौतेली बहन श्वेता कैसे लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, रुपया, अनाज बांट रही है। इसने कितनी सुंदर सोने की ड्रेस पहन रखी है, यह इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? यह तो मुझे देखकर हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने तो इसे धक्के मार के इसलिए निकाला था ताकि यह दर दर की ठोकरें खाए, लेकिन ये मनहूस तो ऐश की जिंदगी गुजार रही है और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता लगा नहीं होगा कि यह मनहूस इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। हाँ, ऐसा सोचकर सुमन श्वेता के ऊपर नजर रखने लगती है, और एक दिन श्वेता अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। माँ, आपको पता है मैंने आपके नाम का एक अनाथालय खोला है, जिसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह माँ सब कुछ बस मुझे आपकी परवरिश की वजह से ही मिला है। आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी कि मुझे जादुई सोने और चांदी की नदी के घर से जादुई चांदी का घर मिला, जिसकी मदद से मैं एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रही हूँ। ओहो, अच्छा तो जादुई सोने चांदी के नदी के घर की मदद से इतनी अमीर हुई है। अब मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए, मैं भी दोबारा से अमीर हो जाऊंगी और मैं भी महारानी वाली जिंदगी बिताऊंगी। ऐसा सोचकर सुमन उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर जादुई सोने और चांदी के घर की नदी थी, और वहां जाकर रोने लगती है। तभी सुमन से भी यही पूछा जाता है कि वह जादुई सोने के घर की धन दौलत लेकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती है या फिर 100 बच्चों की सेवा करना चाहती है। तभी सुमन हंसते हुए कहती है,
अरे जादू सोने चांदी के घर की नदी, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो। अरे जिसके सामने इतनी सारी धन दौलत पड़ी होगी तो वह धन दौलत ही तो चुनेगा, वो पागल तो नहीं है जो फ्री में 100 बच्चों की सेवा करेगा। मुझे तो जादू सोने के घर के अंदर जाना है और वहाँ की धन दौलत लेकर इस दुनिया पर राज करना है। मुझे बहुत अमीर होना है और श्वेता की 25 से भी ज्यादा अमीर। ऐसा कहकर सुमन नदी के सहारे जादू सोने के घर के अंदर चली जाती है और वह उस घर के अंदर जाकर देखती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और चुड़ैलों की भूतों की आवाजें आ रही थी और यह आवाजें सुनकर सुमन घबरा जाती है और वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तभी जादू सोने के घर से आवाज आती है, तुम जैसे लालचियों की यही सजा है, अब तुम कभी बाहर नहीं आओगी, यहीं रहोगी और अमावस वाले दिन तुम्हारी इस जादू सोने के घर की नदी को बलि चढ़ाई जाएगी। हा 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 हा। यह सुनकर सुमन घबरा जाती है और बहुत रोती है। इस तरह सुमन को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक खुशहाल जिंदगी बिताती है और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां लेकर आती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लालच तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है।